नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपको क्रिकेट से जुड़ी रोजाना खबरें देते रहे। दोस्तों आईपीएल सीजन 12 का आगाज 29 मार्च से होने जा रहा है। इसी कड़ी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का 5 दिवसीय अनुकूल शिविर शुरू हो गया है, जिसमें मुख्य रूप से उसके घरेलू खिलाड़ी शामिल हैं। शिविर में 8 खिलाड़ी पहुँच गए हैं। इनमें बंगाल के 16 साल के प्रयास राय बर्मन, रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक रन बनाने वाले मिलिंद कुमार, उत्तर प्रदेश के कप्तान अक्षदीप नाथ, मुंबई के ऑलराउंडर शिवम दुबे, दिल्ली के बल्लेबाज हिम्मत सिंह, तेज गेंदबाज कुलवंत खिजुरेलिया, तमिलनाडु के वाशिंगटन सुंदर और कर्नाटक के देवदत्त पाडिकल टीम में शामिल हैं। टीम के 2 कोच गैरी क्रिस्टन और आशीष नेहरा खिलाड़ियों की प्रगति पर निगरानी रखेंगे। इन खिलाड़ियों की फिटनेस का पता करने के लिए यूरो टेस्ट किया जाएगा। दोस्तों यदि यूरो टेस्ट में खिलाड़ियों के फिटनेस में कोई कमी आती है तो शायद उन्हें हिस्सा लेने पर संदेह हो सकता है। पहले भी कई खिलाड़ी यूरो टेस्ट में फेल होने की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर हो चुके हैं। दोस्तों विराट कोहली के नेतृत्व वाली आरसीबी ने अब तक आईपीएल का कोई भी सीजन नहीं जीता है। पिछले सीजन में भी टीम स्टार खिलाड़ियों से भरी थी, लेकिन फिर भी प्रदर्शन का स्तर कुछ खास नहीं रहा था। तो दोस्तों अगर आप रॉयल चैलेंजर्स के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।